अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों आप स्क्रीन पर ये बुजुर्ग देख रहे हैं। ये बुजुर्ग कुछ दिन हुए हैं अरब इमारात की मीडिया पर, सोशल मीडिया पर बहुत ही वायरल हुए हैं। अब तो पूरी दुनिया में वायरल हो चुके हैं। पाकिस्तान में तो इसकी इज्जत है, अरब इमारात में इसकी इज्जत बहुत है, बहुत लोग कर रहे हैं और इसको सराह भी रहे हैं। और लोग तकरीबन लोग जो हैं अरब इमारात के लोग, ज़्यादातर अरब इमारात के लोग इसकी मुशाबत जो सहाबा इकराम से कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये बुजुर्ग जो है नाबीना है, लेकिन मुझे पता नहीं कि नाबीना है या क्या है फिर। और इसका ताल्लुक जो है पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के ज़िले हब से है। और इसका जब इसके पास जब पाकिस्तान से मतलब सऊदीया से लौटा, पाकिस्तान आकर आया, तो वहाँ पर कुछ यूट्यूबर्स गए और सहाफ़ी लोग गए, तो उन्होंने इसका इंटरव्यू लिया। तो ये बता दें कि मैं बकरियां चराता था और मेरे पास जितनी भी बकरियां थी वो मैं बेच कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मदीने आया था। तो आप देख लें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इसको अल्लाह ने कितनी इज्जत बख्शी। और इसका भी इसको देख लेना, इसने अपनी जो भी सारी बकरियां थी वो बेच दी, कि इसके दिल में कितनी मोहब्बत होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो इसलिए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह भी उनको इतनी मोहब्बत करता है और उसको इतनी इज्जत दी है। दोस्तों आखिर में एक शाह अब्दुल लतीफ का शेर सुनाता हूँ आपको, ये आप सुन लें। कसड़न पन्न सड़न सड़े सा होगा, जिन्हें रोई रिझायो अल्लाह तो नचे तिनके।